अस्सलामु अलैकुम। दुनियाई क्रिकेट में सबसे ज्यादा शोहरत रखने वाले शाहिद आफरीदी के बारे में 9 ऐसे फैक्ट जानेंगे जो कि शायद आप लोगों ने आज से पहले कभी ना सुने हो। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 9। आप लोगों में से ज्यादातर ये मानते हैं कि आफरीदी ने अपने डेब्यू मैच में फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई थी, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि आफरीदी ने अपना डेब्यू मैच श्रीलंका के खिलाफ नहीं बल्कि केनिया के खिलाफ 1996 में खेला था और उस मैच में मुश्ताक अहमद की जगह आफरीदी को बतौर लेग स्पिनर खिलाया गया, लेकिन बदकिस्मती से शाहिद आफरीदी ने उस मैच में कोई भी विकेट नहीं ली। फैक्ट नंबर 8। शाहिद आफरीदी सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाले पाकिस्तानी प्लेयर हैं। इसके अलावा शाहिद आफरीदी सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच जीतने वाले पाकिस्तानी प्लेयर भी हैं। उन्होंने अपने कैरियर में 32 मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते हैं, जिनमें 8 मरतबा श्रीलंका के खिलाफ, 5 मरतबा बांग्लादेश के खिलाफ और 2 मरतबा इंडिया के खिलाफ मैन ऑफ द मैच अवार्ड शामिल हैं। फैक्ट नंबर 7। शाहिद आफरीदी अपनी बॉलिंग और बैटिंग के अलावा अपने स्टाइल की वजह से भी जाने जाते हैं। वो अपने गुड लुकिंग की वजह से लक्स स्टाइल अवार्ड के विनर भी रह चुके हैं। वो 2007 और 2011 में मोस्ट स्टाइलिश स्पोर्ट्समैन का एजाज भी अपने नाम कर चुके हैं। फैक्ट नंबर 6। आफरीदी ने 17 मार्च 2013 को दुनियाई क्रिकेट की तारीख का सबसे लंबा छक्का मारा, जो कि 158 मीटर का था, जो कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में मारा था। लेकिन इससे भी अमेजिंग बात तो ये है कि इस छक्का मारने से पहले आफरीदी बोल्ड हो चुके थे, लेकिन बॉलर ने गलती से नो बॉल कर दी, तो उसके बाद जो फ्री हिट मिली उसके बाद आफरीदी ने यह छक्का मारा। फ्री हिट अगेन, ही स्मैश्ड इट माइल्स, वाओ, इट्स राइट ऑन टॉप ऑफ द रूफ, दैट वुड हैव गॉन इनटू द गोल्फ कोर्स, इट माइट हैव गॉन इन द गोल्फ कोर्स। फैक्ट नंबर 5। शाहिद आफरीदी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, खास तौर पर छक्कों की वजह से क्रिकेट में आला मकाम रखते हैं, लेकिन इसके बरक्स वो जीरो पर आउट होने में भी बहुत ऊपर हैं। आफरीदी दुनिया में दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जो सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट हो चुके हैं। शाहिद आफरीदी अपने ओडीआई करियर में 29 बार जीरो पर आउट हो चुके हैं। फैक्ट नंबर 4। शाहिद आफरीदी ने अपनी पहली और दुनिया की तेज तरीन सेंचुरी सिर्फ 16 साल की उम्र में अपने दूसरे मैच में बनाई थी, जो इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ मैच में बनाई, और जिस बैट के साथ इन्होंने ये सेंचुरी बनाई वो बैट किसी और का नहीं बल्कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का था, जो कि आफरीदी को वकार यूनिस ने दिया था, और ये सेंचुरी का रिकॉर्ड 17 साल तक कायम रहा, और इसी सेंचुरी की वजह से ही आफरीदी को बतौर ओपनर टीम में शामिल किया गया। फैक्ट नंबर 3। शाहिद आफरीदी को बुम बुम का खिताब उनकी फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने के बाद दिया गया, जो उनके कैरियर के स्टार्ट से लेकर कैरियर के इख्तिताम पर उनके नाम का हिस्सा रहा। लेकिन क्या आपको पता है कि शाहिद आफरीदी को बुम बुम का खिताब किसने दिया? तो वो शख्स कोई और नहीं बल्कि इंडिया के रवि शास्त्री हैं, जिन्होंने शाहिद आफरीदी को बुम बुम का खिताब दिया। फैक्ट नंबर 2। टेस्ट मैच में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ब्रेन लारा और जॉर्ज बेली के बाद आफरीदी का है, जो कि लाहौर में 2006 में हो रहे टेस्ट मैच में इंडिया के खिलाफ आफरीदी ने एक ओवर में 27 रन बनाए, जिसमें लगातार 4 छक्के भी शामिल थे। Second most ever runs hit in one over in international test match. Fact number 1। शाहिद आफरीदी पर बहुत से मशहूर क्रिकेटर ने जुमले कहे, जिनमें शिवा ने एक बार कहा था कि मुझे एक शाहिद आफरीदी और 10 लकड़ी के टुकड़े दे दें, मैं आपको वर्ल्ड कप जीत कर दे दूंगा। क्रिस गेल आफरीदी के बारे में कहते हैं कि शाहिद आफरीदी को वो एक ओवर में 6 छक्के लगा सकते हैं, मगर वो ये भी जानते हैं कि जब शाहिद आफरीदी मुझे एक भी छक्का लगाएगा तो क्राउड का रिस्पॉन्स देखने वाला होगा। इसी तरह सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि शाहिद आफरीदी हमारे लिए आग हैं। युवराज सिंह कहते हैं कि वो एक ओवर में 6 छक्के लगाकर भी शाहिद आफरीदी जैसी शोहरत हासिल नहीं कर सके। वेस्ट इंडियन बॉलर माइकल होल्डिंग ने एक बार कहा था कि क्रिकेट शाहिद आफरीदी के बगैर क्रिकेट नहीं।
शेन वॉर्न ने एक बार इंटरव्यू में कहा कि मेरे बच्चे मेरी तरह लेग स्पिनर नहीं बल्कि आफरीदी की तरह लेग स्पिनर के साथ साथ खतरनाक बैट्समैन भी बनना चाहते हैं। तो आज के अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स में बस इतना ही। आपको सबसे अमेजिंग फैक्ट कौन सा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।